वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माया था, दिस इज पायल कश्यप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, बच्चों से जुड़ी हुई ऐसी 12 एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि जनरली पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं कि हमारा बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, हमारा बच्चा चल नहीं पा रहा है, हमारा बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो एग्जैक्टली रीज़न क्या होता है, बच्चे किस महीने में कौन सी एक्टिविटीज़ करने शुरू कर देते हैं, और क्या लड़का और लड़की में ये एक्टिविटीज़ सेम टाइम पर शुरू होती हैं, ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आज आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आज मैं जिन 12 एक्टिविटीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ वो एक्टिविटीज़ आपके गर्भावस्था से लेकर के 2 साल तक के बच्चों के बारे में मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चे का देखना कब शुरू होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को उस समय बिल्कुल भी चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी, बहुत ही ब्लर सी दिखती हैं। इसीलिए बच्चों को कलरफुल चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए जितने भी टॉयज़ वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाए जाते हैं क्योंकि वो बच्चे को अट्रैक्ट करती हैं। उस समय बच्चे को बिल्कुल क्लियर नहीं होता है कि वो क्या चीज़ें देख रहा है, वो बस उसको ये दिखता है कि कोई चीज़ काली काली चीज़ है, कोई कोई रेड चीज़ है, ब्लू है, मतलब कि जो ब्राइट कलर होते हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा समझ में आते हैं। 0 से लेकर के 6 महीने तक बच्चे के जो नज़र का विकास है, डेवलपमेंट है, वो लगातार बना रहता है और 1 साल तक बच्चा पूरी तरीके से प्रॉपर देखने लगता है। नेक्स्ट आता है सुनने की प्रक्रिया। सुनने की प्रक्रिया बच्चा गर्भ से ही शुरू कर देता है। बच्चा जो भी बाहर की चीज़ें, जो भी म्यूज़िक वगैरह है, जो भी माँ सुनती है, जो भी, इसीलिए कहा जाता है गर्भ संस्कार, जो भी बाहर माँ पढ़ती है, जो भी बाहर के गाने वाने बजते हैं, बच्चे को सब कुछ सुनाई दे रहा होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छा अच्छा बोलो, तो वही चीज़ें बच्चे भी सीखते हैं। नेक्स्ट आता है कि बच्चे पहचानना कब शुरू करते हैं। देखिए गर्भावस्था के दौरान माँ से एक अलग ही बच्चे का टच होता है, बट जन्म के बाद वो सबसे पहले माँ को ही जनरली पहचानता है। बट जैसे ही 3 से 4 महीने 5 महीने बीतते हैं तब बच्चा हर व्यक्ति को पहचानने लगता है जो जो उसके टच में आता है। नेक्स्ट आता है स्वाद। स्वाद का जो फील होता है बच्चे को गर्भावस्था के दौरान ही हो जाता है, इसीलिए तो जब बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत माँ के जो दूध होता है उसको पीने लगता है, वरना उसको क्या पड़ी है, आप कुछ और चीज़ें खिलाओ बच्चा नहीं खाएगा, बट जो ब्रेस्ट फीड होता है वो बच्चा आसानी से कर लेता है। एक वैज्ञानिक है पीटर हैपर, उन्होंने ये प्रमाणित भी किया है कि जो चीज़ें आप खाती हो, जो भी चीज़ें आप स्वाद लेती हो, वो चीज़ें बच्चे को गर्भावस्था के दौरान बिल्कुल क्लियरली जाती हैं। नेक्स्ट आता है बोलना। बोलना जनरली लड़कियाँ जो होती हैं वो थोड़ा जल्दी बोलती हैं, थोड़ा क्लियरली बोलती हैं, उनकी प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो जाता है। लड़कियां हर मामले में वैसे भी थोड़ा आगे होती हैं, तो अगर बात किया जाए तो 7-8 महीने से थोड़ा थोड़ा मम्मा, दद्दा, पापा, सिंपल सिंपल वर्ड्स जो लड़कियां होती हैं वो बोलने लगते हैं। लड़के थोड़े से स्लो होते हैं बोलने के मामले में, तो उनको लग जाता है टाइम 10 महीना 11 महीना 12 महीना, कुछ बच्चे 1.5-2 साल के भी हो जाते हैं तब वो थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे दोनों बच्चों में, मेरी बेटी जो है वो बहुत जल्दी बोलना शुरू कर दी थी 7-8 महीने से, मतलब जनरली जो सिंपल वर्ड होते थे वो बोल लेती थी, और आज भी वो बहुत ही ज़्यादा बोलती है। और मेरा बेटा 1 साल भर का हो गया है, वो अभी सिंपल सिंपल वर्ड बोलना स्टार्ट किया है। तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, किसी भी तरीके का बोलने का एक्टिविटी नहीं कर रहा है, माँ पा कुछ भी नहीं बोल रहा है, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो सकता है बच्चे की टंग टाई की दिक्कत। टंग टाई में बच्चे की जो जबान होती है वो तालू से जुड़ी हुई होने के कारण बच्चे को दिक्कत होती है बोलने में, तो ऐसे में आप एक बार डॉक्टर को दिखा सकते हो। अगर आपका बच्चा थोड़ा भी 1 साल भर के अंदर थोड़ा भी मुँह का, मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो पलटना यानी कि टर्न करना, बच्चा पलटना शुरू करते हैं कम से कम 2 महीने के बाद। जब बच्चे के अंदर थोड़ी सी मजाक वगैरह करने के बाद थोड़ी सी ताकत आने लगती है तो बच्चे 2 महीने से 2.5 महीने पर पलटना शुरू कर देते हैं। गर्दन संभालना, जनरली सारे बच्चे 2.5 महीने 3 महीने से धीरे धीरे गर्दन को संभालने लगते हैं, स्टेबल करने लगते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से कमज़ोर होते हैं, जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो है, वो बच्चे 5 महीने 6 महीने भी लगा सकते हैं, और कुछ बच्चे 9-10 महीने लगा देते हैं। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मैक्सिमम टाइम 5 से 6 महीने इनफ होता है बच्चे को गर्दन संभालने के लिए। बच्चे की गर्दन को संभालने के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा।
नेक्स्ट आता है कि बच्चे का बैठना। बच्चा जनरली 5 से 6 महीने पर बैठना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं, मगर कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे को 3 महीने 4 महीने से बैठाना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे गलत है। अगर आप समय से पहले बच्चे को बैठाना शुरू कर दोगे तो बच्चे की रीढ़ की हड्डी में पेन होगा, बच्चे को आगे इन फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, उसकी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई हो सकती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम बच्चा फेस ना करे तो उसे सही टाइम आने पर यानी कि 5-6 महीने पर ही आप बैठाएं। 5-6 महीने पर कुछ बच्चे बैठते हैं, कुछ महीने 7-8 महीने 9 महीने लगा देते हैं, तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं। अगर बच्चा साल भर तक नहीं बैठता है, साल भर के बाद आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि उसे हड्डियों से रिलेटेड कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आता है घुटने के बल चलना। घुटने के बल चलने का यानी कि नी पोजीशन में बच्चे कम से कम 6 महीने 7 महीने से धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं, और 8 महीने आते आते बच्चे प्रॉपर घुटने के बल चलने लगते हैं। नेक्स्ट आता है कि बच्चे के खड़े होने की प्रोसेस। खड़ा होना यानी कि टेक लगा करके बच्चे खड़ा होना जो है 8 महीने से 7.5-8 महीने से शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वो टेक करके चलने लगते हैं। खड़े होने का जो प्रोसेस है उनका 8.5 से 7.5-9 महीने के बीच चलता है, और धीरे धीरे करके वो जो चलने का प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है चलना यानी कि टेक करके चलने का जो प्रोसेस होता है, वो आपका 9 से 10 महीने तक स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे करके बच्चा कभी कभी साल भर में चलने लगता है। जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरे दोनों बच्चे ही साल भर के अंदर ही चलना स्टार्ट कर चुके थे, भले ही वो 4-5 कदम बढ़ाए थे मगर चलना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट आता है टीथिंग प्रोसेस। टीथिंग प्रोसेस देखिए, चौथे, तीसरे, चौथे, पांचवें महीने से बच्चे के जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, वो फूलना स्टार्ट कर देते हैं, और निकलते निकलते बच्चे के दांत 5-6-7 महीने लग जाते हैं। और कुछ बच्चों में अगर कैल्शियम की कमी है या किसी भी तरीके की कमज़ोरी है, वीकनेस है, कमज़ोर हैं बच्चे, तो उनका टीथिंग प्रोसेस होने में साल भर भी लग सकता है। ओवरऑल सारी चीज़ें देखने के बाद और बहुत सारी जगहों से मैंने देखा है, जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, उस अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियाँ लड़कों से थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा होती हैं। जैसे कि मेरे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि जैसे मेरी बेटी है वो तेज़ है, मेरा बेटा थोड़ा सा सुस्त है, मतलब कि इस मामले में, हेल्थ के मामले में मेरा बेटा ज़्यादा परफेक्ट है बेटी से, मगर अगर एक्टिव की बात करें तो वो मेरी बेटी ज़्यादा है, बेटा कम है। अगर मेरे बेटे को कोई एक झापड़ मार के चला भी जाता है तो वो थोड़ी देर बैठेगा, सोचेगा, उसके बाद रिएक्शन देता है, और मेरी बेटी के अगर कोई मारता है तो वो तुरंत रिएक्शन देती है। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस इस मामले में कैसा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उम्मीद करती हूँ कि इस छोटी सी वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि किस महीने में बच्चे कौन सी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं। और चैनल पर पहली बार अगर आपने विजिट किया है तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, लाइक ज़रूर कर लीजिए वीडियो को अगर पसंद आई हो। तो आज के लिए इतना ही।